सो हम जाते हैं बूटस्ट्रैप में। बूटस्ट्रैप का नेव कॉपी करते हैं और ऑल राइट हमें डिफॉल्ट में पता है कि जो नेव बार है वो कंटेनर फ्लूइड हुआ होता है। आप इसको सिर्फ कंटेनर कर दें और इसका जो बैकग्राउंड है वो फुल विड्थ रहेगा और जो कंटेंट है वो दरमियान में आ जाएगा। ठीक है, आपने इसका कलर हटाना है तो दैट्स लाइक यू हैव टू डू इट लाइक दिस। वो भी हट गया। अब ये तो डिफॉल्ट बिहेवियर है इसका। हम ये चाहते हैं कि जब ये स्मॉल स्क्रीन आए तो यहाँ पे क्या अपीयर हो जाए, फोन नंबर अपीयर हो जाए जस्ट लाइक दिस। और अगर हम लेट सपोज यहाँ पे जाएं, पहली बात तो ये है कि मीडियम स्क्रीन पे नंबर अपीयर हो और मीडियम से अबव, यानी लेट्स चेक इट्स बिहेवियर, कहाँ पे जाके ये अपीयर होता है और कहाँ पे जाके ये डिसअपीयर होता है। सो इफ आई फाइव हंड्रेड सेवेंटी सिक्स से अबव ये नंबर स्टार्ट होता है, जो ही 576 से बिलो स्क्रीन आती है तो वो नंबर गायब हो जाता है, सिर्फ मैग्नीफायर रह जाता है। ठीक है, और अगर यहाँ हम मज़ीद इसको एक्सपेंड करें तो 767 वाले ब्रेक पॉइंट पे जाके वो बैकग्राउंड हट जाता है और नंबर भी, यानी नंबर रहता है लेकिन बैकग्राउंड हट जाता है। ठीक, यानी अगर आप यहाँ देखें तो ये जो बूटस्ट्रैप ने मीडिया क्यूरी में मेन्यू को कलेप्स किया हुआ है वो किस ब्रेक पॉइंट पे किया हुआ है, हमारा जो मेन्यू कोलैप्स हो रहा है वो किसी डिफरेंट पॉइंट पे हो रहा है, ये भी 992 पे हो रहा है। हाँ, ये मैं कह रहा हूँ ना कि इनका मेन्यू सेवन सिक्सटी एट पे जाके कोलैप्स हो रहा है और हमारा मेन्यू जो है वो 992 पे जाके कोलैप्स हो रहा है। तो हम इसको भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहली बात ये है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरह का एक मैग्नीफायर या कोई भी आइकन, या फोन नंबर का आइकन हो सकता है, यूजर का आइकन हो सकता है, जैसे साइन इन लॉग इन यूजर का भी, वो अपियर हो और ये नंबर अपियर हो कहाँ पे, जस्ट बिलो 768 पे। ठीक, सो लेट्स सी। सबसे पहले हम यहाँ पे जाते हैं अपने इस डिज़ाइन में और हम ये फॉर्म पहले गायब कर देते हैं बिकॉज वी डोंट नीड दिस फॉर्म। या आप यूँ भी कर सकते हैं कि लेट्स सपोज आप ये चाहते हैं जी कि आपको यहाँ पे आके फॉर्म इधर बाहर चाहिए। अभी फॉर्म जो है वो नॉर्मली कहाँ आ रहा है, ड्रॉप डाउन में आ रहा है, तो नॉर्मली सर्च ड्रॉप डाउन में तो नहीं होती, कोई बंदा ड्रॉप डाउन करके सर्च नहीं करता। सर्च तो किधर होनी चाहिए, यहाँ टॉप पे होनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं इस फॉर्म को उठा के यहाँ लेके आऊँ टॉप पे। तो कोई आइडिया या कोई गैस कैसे कर सकता हूँ मैं ये काम। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपने क्या करना है,
एग्जिस्टिंग डिज़ाइन को एक्सप्लोर करना है। आप यहाँ पे जाएं और इस फॉर्म कंट्रोल के ऊपर राइट साइड पर डॉक करें, इसके एग्जिस्टिंग बिहेवियर को स्टडी करें। ये आपका फॉर्म का टैग है और आपने इसके साथ खेलना है। अगर आप इसको यहाँ से डिलीट कर दें या हाइड कर दें तो ये यहाँ से गायब हो जाएगा, और अगर आप इसको वापस अनहाइड कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन हमें ये यहाँ पे नहीं चाहिए, बल्कि कहाँ पे चाहिए? नॉर्मली यहाँ बेशक रहे, लेकिन जो ही मीडिया क्वेरी ये पहुँचे, यानी जब ये ड्रॉप डाउन में आ जाए, तो हम क्या चाहते हैं कि ये इस ऊपर की टॉप की सर्च बार पे आ जाए। तो हम सबसे पहले इस फॉर्म पे जाते हैं, और जिस पेरेंट के अंदर ये फॉर्म है हम यहाँ पे कैसे ला सकते हैं? स्ट्रेट अवे पोजीशन के साथ, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को नॉर्मली, ये जो फॉर्म अपीयर हो रहा है ये डॉक्यूमेंट के नॉर्मल फ्लो में अपीयर हो रहा है। अब हम किसी भी चीज़ को डॉक्यूमेंट के नॉर्मल फ्लो से क्या करना चाह रहे हैं? आउट करना चाह रहे हैं, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को अपनी मर्जी की कस्टम पोजीशन पे लेके जाना चाहें तो उसका एक ही हल है कि आप उसे डॉक्यूमेंट के फ्लो से पहले बाहर रखें और फिर डॉक्यूमेंट फ्लो से बाहर निकाल के अपनी मर्जी की पोजीशन टॉप राइट बॉटम लेफ्ट जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले, और फिर पोजीशन देने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव दे दें और चाइल्ड को पोजीशन एब्सोल्यूट दे दें। दूसरा हल क्या है कि आप इसको विद रिस्पेक्ट टू ब्राउजर व्यू पोर्ट, यानी ब्राउजर की व्यू पोर्ट की हिसाब से इसको पोजीशन कर दें। अब ब्राउजर के व्यू पोर्ट पे हम सिर्फ उस चीज़ को पोजीशन करते हैं जो पूरी स्क्रीन पे फैली होती है, जैसे मॉडल होता है या जैसे कोई और चीज़ होती है। तो इसको मैं पोजीशन फिक्स तो कर नहीं सकता, उसकी वजह क्या है कि अभी ये जो मेन्यू है ये टॉप पे स्टिक्ड है ब्राउजर के साथ। हो सकता है कल ये मेन्यू के ऊपर एक छोटी सी और जो एड्रेस बार है या कोई और चीज़ हो, ये मजीद डाउन हो जाए, तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा? इसको बार बार रीएडजस्ट करना पड़ेगा। यानी अगर ये पेरेंट पूरा, मैं सपोज करता हूँ कि ये मेरा पेरेंट है, ये नेव बार है, अभी अगर मैं किसी तरह समहाउ इस फॉर्म को पोजीशन करके यहां पे ले आता हूँ सर्च बॉक्स को, बिलफर्ज आ भी जाता है ये, कल कलाम में हो सकता है कि इस पूरे नेव बार को उठा के नीचे करूं और इसके ऊपर एक और एलिमेंट डालना चाहूं। तो अगर मैंने पोजीशन फिक्स दी होगी तो पोजीशन फिक्स विद रिस्पेक्ट टू ब्राउजर अपनी पोजीशन ले रही होगी, तो अगर मैं इस नेव बार को नीचे करूंगा तो ये जो रेड वाला पार्ट है ये ऊपर स्टिक रहेगा और इसका जो पेरेंट है वो क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। हालांकि मैं नहीं ये चाहता, मैं ये चाहता हूं कि जब ये पूरा पेरेंट मूव करे तो इसके अंदर जो भी चाइल्ड है वो भी क्या करे? उसके साथ ही मूव करे। तो इसका हल ये है कि चाइल्ड को रिलेटिव टू पेरेंट कर दें, ताकि जिधर जिधर पेरेंट मूव करे उधर उधर चाइल्ड भी मूव करे। सो दैट्स द रीजन कि जी मैं इसको पोजिशन फिक्स नहीं करता, बल्कि पोजिशन क्या करूंगा? एब्सोल्यूट करूंगा। अब उसके बाद चूंकि हम बूटस्ट्रैप को कस्टमाइज कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि आप ब्लाइंडली अपनी पोजीशंस देने से पहले ये चेक कर लें कि क्या ऑलरेडी उसको कोई पोजीशन लगी हुई है या नहीं है। ठीक है, अब फॉर्म का डायरेक्ट पेरेंट कौन है? अगर आप ये देखें तो इसका जो डायरेक्ट पेरेंट है दैट कम्स लाइक कंटेनर है, सॉरी यहाँ पे, यस ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो डायरेक्ट पेरेंट है ये, मैं इन कोलैप्स और एक्सपेंड करके आइडिया हो सकता है। तो फॉर्म का डायरेक्ट पेरेंट कौन सा है? नेव बार कोलैप्स। तो आप नेव बार कोलैप्स पे जाएं और इसको देखें कि इसको कहीं पोजीशन की प्रॉपर्टी अप्लाई हुई भी या नहीं हुई भी, कितनी क्लासेस लगी हुई है नेव बार कोलैप्स और कोलैप्स दो। ठीक, तो यहाँ पे जाएं नेव बार कोलैप्स, इसमें देखें कहीं भी पोजीशन नहीं लगी हुई। ठीक, दूसरी क्लास कौन सी है? कोलैप्स, उसको कहीं ढूंढें सबसे ऊपर कोलैप्स, और ये तो अब उसकी सूडो क्लास भी लगी हुई है लेकिन हमें कहीं भी पोजीशन नजर नहीं आ रही इसकी सिलेक्शन में। ठीक, एक बात। दूसरी बात यह है कि कोलैप्स का मतलब क्या है? यानी जैसे हम ये देखें, ये कोलैप्स हो गया, ये एक्सपेंड हो गया, इसी तरह ये क्या हो गया? एक्सपेंड, और ये क्या हो गया? कोलैप्स हो गया। तो इसका मतलब यह है कि कोलैप्स किस चीज को कंट्रोल कर रही है? इस मेन्यू के कोलैप्स और एक्सपेंड होने को कंट्रोल कर रही है। तो मुझे इस वक्त एग्जिस्टिंग ये सर्च बॉक्स या फॉर्म कहां नजर आ रहा है? कोलैप्स के अंदर। यानी इसका इमीडिएट पेरेंट कौन सा है? मेरे फॉर्म का इमीडिएट पेरेंट कौन सा है? कोलैप्स है, तो इसलिए ये कोलैप्स के अंदर शो हो रहा है। तो इसका मतलब है मुझे ये कोलैप्स में नहीं रखना। कोलैप्स में जो भी चीज होगी वो क्या होगी? कोलैप्सिबल होगी। तो सबसे पहला काम ये है कि मुझे इससे वी हैव टू गेट रिड ऑफ इट। इस फॉर्म को यहां से कट करें और इसको, ये जो इसका पेरेंट है ना कोलैप्स, इसको इसके बाहर रख दें।
फिर अब ये थोड़ी सी हाई लेवल की कस्टमाइजेशन हो रही है कि हम बूटस्ट्रैप के अपने स्ट्रक्चर के अंदर चेंज कर रहे हैं, तो एनी चेंज दैट वी मेक इनसाइड द बूटस्ट्रैप स्ट्रक्चर वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ये मैं बार बार बता चुका हूँ। तो अब अगर मैं यहाँ पे इसको बाहर रखता हूँ तो ये आ गया मेन्यू, अब ये एटलीस्ट कोलैप्स से बाहर आ चुकी है, ठीक। और कोलैप्स से बाहर आने की क्या निशानी है कि मैं यानी ये मेन्यू जो है वो कोलैप्स्ड है बट स्टिल सर्च बॉक्स क्या है शो हो रहा है, लेकिन उसकी पोजीशन वो नहीं है जो मैं चाहता हूँ, ठीक। तो ये एंड पे आने का मकसद क्या है कि जहां पे कोलैप्स एंड हो रहा है वहां पे ये स्टार्ट हो रहा है, तो मुझे ये स्टिल एंड पे ही चाहिए और ये किधर चाहिए मिड में चाहिए। तो अब मैंने बूटस्ट्रैप के स्ट्रक्चर को छेड़ा, अब लेट्स सी कि मैं पहले जरा इसको देख लूं कि ये इसका डायरेक्ट पेरेंट कौन है। अब इसका डायरेक्ट पेरेंट कौन आ गया, कंटेनर, ठीक। अब कंटेनर की लेट्स सी के वी डू हैव अ पोजीशन और नॉट, कंटेनर लेट्स सी, ये कंटेनर सेलेक्ट हुआ है, इस कंटेनर में डिस्प्ले फ्लेक्स जस्टिफाई कंटेंट कोई पोजीशन नहीं है, इधर भी मीडिया क्यूरी में भी, मीडिया क्यूरी में भी, मीडिया क्यूरी में भी कंटेनर को पोजीशन नहीं मिली भी, और हम कंटेनर को पोजीशन देंगे भी नहीं। उसकी वजह कंटेनर जेनेरिक क्लास है, अगर हम इसको यहाँ पे पोजीशन देंगे तो जहाँ जहाँ कंटेनर इस्तेमाल हुआ है वो क्या करेगा, सारे कंटेनर पोजीशन उठा लेंगे। इसलिए हम क्या करेंगे फिर कंटेनर से भी ऊपर जो इसका पेरेंट है उसको जाके देखते हैं, यानी जाहिर है ये जो हमारा फॉर्म है इट रिजाइड्स इनसाइड द कंटेनर, इसका इमीडिएट पेरेंट कंटेनर है, कंटेनर को हम पोजीशन नहीं देंगे तो फिर ये किसकी पोजीशन उठाएगा जो उसका भी पेरेंट होगा, got it? तो अब अगर हम इस कंटेनर से ऊपर जाएं तो इसका पेरेंट कौन सा है, नेव बार। अब नेव बार को जाके स्टाइल्स में देखें इंस्पेक्ट करके कि क्या इसको कहीं पोजीशन मिली हुई है या नहीं मिली हुई, और मिली हुई है तो कौन सी मिली हुई है। इफ यू कम बैक हियर नेव बार, तो नेव बार की क्लास में पोजीशन क्या है, रिलेटिव है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो फॉर्म है उसके ऊपर जो पेरेंट आ रहा है दो डायरेक्ट पे नहीं है लेकिन एक लेवल आप उसको पोजीशन मिली हुई है, अगर वो पोजीशन रिलेटिव है, हम अगर फॉर्म को पोजीशन एब्सोल्यूट देंगे तो ये एब्सोल्यूट विद रिस्पेक्ट टू किसके जाएगा, पेरेंट की रिलेटिव, लेकिन इसके इमीडिएट पेरेंट पे रिलेटिव नहीं है तो किस पे जाएगा, उसके पेरेंट पे, यानी इसके एंसेस्टर्स में जहां इमीडिएट पोजीशन रिलेटिव मिलेगी इसको वो उसकी रिलेटिव। अगर लेट सपोज नेव बार पे ना होती तो फिर हम ये इसको रिलेटिव देते तो ये किसकी उठाता, फिर नेव बार के भी पेरेंट की, अगर उसकी भी ना होती तो फिर किसकी उठाता, उसके पेरेंट की, उसकी भी ना उठाता तो किसकी उठाता, उसके पेरेंट की। क्लियर हो गई बात। अब इसका मतलब यह है कि हमें पेरेंट को दोबारा पोजीशन देने की जरूरत नहीं है, पेरेंट इज ऑलरेडी गेटिंग अ पोजीशन, सो व्हाट वी नीड टू डू इज वी हैव टू गिव अप द पोजीशन टू द फॉर्म। अब आप पूछ सकते हैं फॉर्म को क्यों, क्योंकि हम प्लेसमेंट उसकी करना चाहते हैं, आप जिस मर्जी, अब थोड़ी देर बाद आप मैं आइकन लगा के दिखाऊंगा, वो फोन नंबर जैसे डिस्प्ले हो रहा है वो लगा के दिखाऊंगा, तो एनीथिंग दैट वी नीड टू प्लेस इनसाइड द मेन्यू बट नॉट इनसाइड द कोलैप्स दैट इज सपोज टू बी प्लेस्ड आउटसाइड द कोलैप्स क्लास, मेन्यू में हो लेकिन कोलैप्सिबल ना हो तो उसे मेन्यू के अंदर रखें, यानी नेव बार के अंदर है फॉर्म लेकिन कोलैप्स के अंदर नहीं है। सो नाउ अब मैं इस फॉर्म पे आऊंगा और इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे मैं क्लास दूंगा और इस क्लास को मैं दूंगा जी पोजीशन इज गोइंग टू बी एब्सोल्यूट, ठीक। अब अगर आप मैंने सिर्फ पोजीशन एब्सोल्यूट दिए तो नॉर्मली ये आ गया, अब इसमें पोजीशन एब्सोल्यूट दें तो अपनी मर्जी की प्लेसमेंट के लिए चार प्रॉपर्टीज अवेलेबल हो जाती हैं, आपको पता है जब भी आप टॉप राइट बॉटम लेफ्ट वगैरह पर। तो अब मैंने पोजीशन एब्सोल्यूट दी और मैंने कहा जी टॉप दैट इज गोइंग टू बी जीरो, इसको क्या कर दो टॉप के साथ स्टिक कर दो, तो ये किसके साथ स्टिक करेगा, अपना पेरेंट जिसको रिलेटिव पोजीशन मिली है, इस केस में नेव बार को मिली है लेकिन जरूरी है कि नेव बार ही को मिले, अगर नेव बार ना मिली होती तो जिस इमीडिएट पेरेंट को पोजीशन रिलेटिव मिली होती है जाके उसके टॉप पे स्टिक हो जाता। इफ आई नाउ क्लिक ऑन दैट कैन यू सी वो कोलैप्स से आजाद हो गया, अब मुझे ये टॉप से थोड़ा सा कहाँ पे चाहिए, बेसिकली राइट यहाँ पे चाहिए, तो मैं इसे क्या कर दूंगा राइट इज गोना बी जीरो, ठीक। अब मुझे बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे भी नहीं चाहिए, मुझे किधर चाहिए ये थोड़ा सा राइट से डिस्टेंस पे, मैं यहाँ से मेजर करके लेट सपोज 600 पिक्सल्स दैट्स टू वाइड, अपनी मर्जी या अंदाजे के मुताबिक 200 कर दें 300 कर दें, बट चलो ये काम वो करते हैं जिनको पहले बूटस्ट्रैप पे थोड़ी सी
ग्रिप होती है, क्योंकि मैंने बार बार बोला कि जब भी आप बूटस्ट्रैप के स्ट्रक्चर में चेंज करेंगे तो यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अब हम रिस्पॉन्सिबल हैं और हम उसको तब छोड़ेंगे जब हमारी मर्जी के मुताबिक सारी चीजें फिट हो चुकी होंगी। सो इफ आई नाउ एक्सपेंड इट, एवरीथिंग इज वर्किंग नॉर्मली एंड आर फॉर्म इज स्पेसिफिकली स्टिक टू द मेन्यू। अब टॉप पे भी मुझे जीरो नहीं चाहिए बिकॉज जीरो इज बिल्कुल टॉप बाउंड्री के साथ जुड़ गया, तो मैं टॉप पे भी इसको क्या करूंगा, सॉरी वेयर इट इज, इसकी वैल्यू को बढ़ाऊंगा और लेट्स हैव अ लुक एट दैट इन पिक्सल्स पे छोड़ूंगा। अब यहाँ पे मुझे लगे कि इट लुक्स गुड, तो मैं यहाँ से अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो ऑब्वियसली ये सारे स्टाइल्स हट जाएंगे बिकॉज आई एम गिविंग इट अ टेम्पररी स्टाइल्स। तो इसका मतलब ये जो कि फॉर्म का एलिमेंट है इसको मैं स्टाइल्स दे रहा हूँ, ठीक है। तो मेरी मर्जी के मुताबिक ये एडजस्ट हो गया। अब मैं यहाँ जाऊँगा, इस फॉर्म को पिक करूँगा और इसको ऑलरेडी एक क्लास मिली हुई है डी फ्लेक्स, तो मैं इसको सेकेंड क्लास दे दूंगा, क्या माय पोजीशन या माय प्लेसमेंट या व्हाटसो एवर, क्लास नेम आप अपनी चॉइस से देंगे। अब इस माय प्लेसमेंट को जाके इस स्टाइल में आएंगे और लेट्स सी, हम पहले इसे बगैर किसी मीडिया क्यूरी के यहां रख के देखते हैं। क्लास मैंने हिट कर ली और इस क्लास में ये जो तीन प्रॉपर्टीज हैं इनको कॉपी किया और इनको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, इसको भी सेव कर दिया, ठीक। अब मैं इसे रिफ्रेश भी करूँगा तो स्टाइल्स आर नॉट गोइंग एनीवेयर, और जब मैं इसको ड्रॉप करूँगा तो एज इट इज। अब जब मैं यहाँ जाऊँगा, नॉर्मली अपनी ये ओरिजिनल पोजीशन पे, लेकिन मसला नॉर्मली तो पहले भी इसको इशू नहीं था, इशू कहाँ पे था, कोलैप्स पे। अब जब मैं यहाँ पे आऊंगा, मेन्यू कोलैप्स कर गया बट स्टिल माय फॉर्म इज एट द प्लेस वेयर इट नीड्स टू बी। यहाँ पे आके ये क्या कर रहा है, ओवरराइड कर रहा है किसके साथ, विद नेव बार। तो हमें क्या करना है, पहले तो स्क्रीन साइज डिटेक्ट करना है कि किस स्क्रीन साइज पे ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है या किस स्क्रीन साइज पे ये ओवरराइड कर रहा है इसको, ठीक। सो लेट्स सी, एनीथिंग, हमारे पास मीडिया पॉइंट कौन सा है, 576, तो हमें पता है कि 576 से लेस पे आगे कर रहा है, तो हम क्या करेंगे 576 एंड लेस का जो ब्रेक पॉइंट है उसके अंदर जाके इसको क्या कर देंगे, गायब कर देंगे, या इसको गायब कर देंगे या मेन्यू को गायब कर देंगे, दोनों में से जो चीज़ अनइम्पॉर्टेंट है, डिपेंडिंग अपॉन द क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट कि क्या उसने मोबाइल पे जाके सर्च का फीचर इनेबल रखना है, ऑब्वियसली सर्च का फीचर इज समथिंग विच इज मोर इम्पॉर्टेंट, एक पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी है जस्ट टू क्रिएट मोर स्पेस, ये जो सर्च का टेक्स्ट है ना, इस मीडिया क्यूरी पे सर्च के टेक्स्ट को सर्च के बटन से रिप्लेस कर दे, यानी नॉर्मली जब बड़ी स्क्रीन पे हो तो ये क्या रहे, सर्च ही रहे, तो छोटी स्क्रीन पे जाके सर्च के इसको क्या कर दें, बटन के साथ रिप्लेस कर दें। एंड हाउ टू डू दैट, लेट्स सी, हमने बूटस्ट्रैप में आइकन्स भी लगाए थे और आपको पता है कि आइकन्स कैसे लगाते हैं, आइकन्स के लिए सबसे पहले आप आइकन्स पे आएंगे एंड देन आप इसका जो CDN है वो उठाएंगे, ये CDN, और इसको आप अपने बूटस्ट्रैप से बूटस्ट्रैप के बाद रखेंगे। अब आप यहाँ पे आए और व्हाट यू नीड टू डू इज सर्च कर लें, सर्च फॉर द सर्च, तो जस्ट क्लिक ऑन दिस आइकन, इसको आप यहां से कॉपी करें, जहां पे सर्च का टेक्स्ट लिखा हुआ है उस बटन के बिल्कुल एन नीचे इस आइकन को प्लेस कर दें, या ये कर दें, या सिंपली क्या करें, इसी बटन को कॉपी पेस्ट करें और टेक्स्ट की जगह आइकन डाल दें। फिर अब आप यहाँ हैं, ये दोनों शो होंगे मेरे पास, ठीक, सर्च आइकन भी और बटन भी। तो इसको मुझे
इस वाले बटन को सिर्फ कहाँ दिखाना है, क्लास इक्वल्स टू एसएम, यानी स्मॉल स्क्रीन पे इसको क्या करना है, शो करना है, ठीक। और ऊपर वाले को क्लास दे दें, क्वालिटी क्लास मिली हुई है इसमें, SM means small, ये मैं bootstrap की class की convention की copy कर रहा हूँ, SM for small और S for height, तो ये भी अलग से दो class attribute देने की ज़रूरत नहीं है, already class का attribute है तो आप इसी को दे दें, SM for small और SHO for show। तो अब मैं क्या करूँगा, छोटी screen को target करके SM height को जाके display none कर दूँगा और SM show को जाके display block कर दूँगा, clear। और ये जाके कहाँ करूँगा, लेट्स सी, यहाँ पे, क्योंकि इससे छोटा मीडिया क्यूरी ब्रेक पॉइंट हमारे पास है ही नहीं, अगर इससे छोटा चाहिए तो क्या करेंगे, वही काम, कस्टम मीडिया क्यूरी जाके, वो जो अलग अलग बनी हुई है, मेन वेट और मैक्स वेट वाली, ठीक है। सो फिलहाल हम इस पे डेमोन्स्ट्रेट करते हैं कि क्या ये काम हो या नहीं, तो मैं यहाँ पे आके क्या करूँगा, एस एम शो को नॉर्मली SM, ये जो SM शो है ना, SM शो का मतलब स्मॉल पे जाके शो हो, तो नॉर्मली विदाउट मीडिया क्यूरी क्या होनी चाहिए, SM शो हाइट होनी चाहिए, नॉर्मल स्टाइल पे ये क्या होनी चाहिए, डिस्प्ले नन, मैं इसे नॉर्मली यहां करूंगा, सॉरी मीडिया क्यूरी के अंदर नहीं किया ना, नॉर्मली नॉर्मल हालात में मुझे टेक्स्ट शो होना चाहिए, आइकन शो नहीं होना चाहिए, गॉट इट। तो एसएम शो इसको क्यों रखा है, एसएम शो डिस्प्ले ना, नॉर्मली ना, एसएम शो कब होगा, जब स्मॉल स्क्रीन होगी, एसएम का मतलब क्या है, स्मॉल स्क्रीन शो, कि स्मॉल स्क्रीन पे जाके इसको क्या करो, शो करो, तो जब तक स्मॉल स्क्रीन नहीं है तो इसे क्या करो, गायब कर दो, ठीक। तो ये एसएम नहीं है, नॉर्मल स्क्रीन है, तो नॉर्मल स्क्रीन पे जो आइकन है वो क्या हुआ है, हाइड हुआ है, जो सर्च का बटन है वो क्या हुआ है, शो हुआ है नॉर्मली, ठीक। अब मैं ये कहता हूँ कि इसी एसएम शो को नॉर्मली ये डिस्प्ले नन हो और जब यहाँ पे आए कहाँ पे, बिटवीन 576 एंड 767, तो इसी एसएम शो को क्या कर दो, डिस्प्ले ब्लॉक, फिर या डिस्प्ले ब्लॉक, या अगर आपको ना पता हो कि इसके इनिशियल डिस्प्ले क्या है तो आप इसे क्या कर लें, इनिशियल का मतलब जो इसका इनिशियल डिस्प्ले था, जो इसका एक्चुअल डिस्प्ले की प्रॉपर्टी थी, हमने इसे, क्योंकि समटाइम ब्लॉक करेंगे तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स का बिहेवियर क्या होता है, वो लाइन तोड़ के नीचे आ जाते हैं, तो हमें तो नहीं पता कि उसका इनिशियल डिस्प्ले क्या है, ब्लॉक है, इनलाइन ब्लॉक है, इनलाइन है, क्या है, तो हम बजाय इसके कि अपनी कोई और उस्तादी करने के सिंपली क्या कहते हैं, जो भी तुम्हारी इनिशियल डिस्प्ले की प्रॉपर्टी थी उसको वापस क्या कर लो, रीगेन कर लो। सो नाउ अब अच्छा एक काम ये करो कि एसएम में आइकन को शो कर दो, दूसरा काम ये करो कि एसएम हाइट पे जाओ और एसएम हाइट को क्या कर दो, डिस्प्ले नन कर दो, फिर एसएम इसको मिली हुई एसएम हाइट, नॉर्मल हालात में वो एसएम हाइट वाली, यानी ये मीडिया क्यूरी हिट ही नहीं हुई तो ये स्टाइल नहीं चल रहा, ये दोनों स्टाइल कब हिट होंगे, जब मैं 576 और 767 के दरमियान में आऊंगा, तो इस सूरत में क्या होगा, एस एम शो वाली शो हो जाएगी और एस एम हाइड वाली हाइड हो जाएगी, तो ये सर्च रिप्लेस हो जाएगा किसके साथ, सर्च के बटन के साथ, लेट्स सी, कैन यू सी, अब अगर मैं यहां से गेटिंग माय पॉइंट, हमारी वो जो स्पेस थी वो एक्स्ट्रा बच गई। अब मैं यहां पे आता हूं और मैं चाहता हूं जी कि लेस देन पे, लेस देन 500 पे, कहां पे ओवरराइड स्टार्ट कर रहे हैं, सो हम बूटस्ट्रैप पे दोबारा जाते हैं, दोबारा यहां पे जाके मुझे लेआउट्स में जाना है, ब्रेक पॉइंट्स पे जाना है, और मैं ये चाहता हूं ये कमेंट्स पढ़ लें,
ये क्या कह रहे हैं 576 एंड अप, तो मुझे क्या चाहिए 576 एंड डाउन, तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए लेस देन 576। तो मैं सिंपली ये वाला ब्रेक पॉइंट उठाऊंगा, इसको कॉपी करके यहाँ पे आऊंगा, कोई भी स्टाइल तो मुझे 575 से लेस चाहिए। साथ में आप ये कमेंट्स कॉपी कर लें, दे आर ऑलवेज हेल्पफुल। इसको नहीं ओपन होना चाहिए, ऊपर करें नीचे करें दैट डजंट मैटर, मीडिया क्यूरी मीडिया ब्रेक पॉइंट जब ये हिट होगा तो ये अप पे जा रहा है ना, ऊपर कर लें कोई इशू, ये कह रहे हैं आप दोनों ट्राई कर लें। अब मैं ये कह रहा हूं कि मेरा या तो ये नेव गायब हो जाए, यानी ये अगेन आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि छोटी स्क्रीन पे या तो ये सर्च ही ना दिखाएं या ये लोगो ना दिखाएं, तो कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, कौन सी चीज मोबाइल डिवाइसेस पे दिखानी है और कौन सी चीज मोबाइल डिवाइसेस पे नहीं दिखानी, ये डिसीजन कौन करेगा जो आपसे डिजाइन बनवा रहा है कि उसके लिए उसके बिजनेस के लिए कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसको हमने डिस्प्ले कराना है। तो मैं ये सपोज करता हूँ कि मुझे ये फॉर्म जो है ये 576 से लेस पे नहीं दिखाना, ठीक। तो व्हाट आई विल बी डूइंग इज इस फॉर्म को, यानी इस फॉर्म की आप डिटेक्ट कर लेंगे पेरेंट क्लास कौन सी है, माय प्लेसमेंट, तो माय प्लेसमेंट को टारगेट करके मैं क्या करूंगा डिस्प्ले नन कर दूंगा, और कहां करूंगा जिस मीडिया ब्रेक पॉइंट पे मुझे चाहिए। सो लेट्स सी इस माय प्लेसमेंट को इधर टारगेट करें और इसको क्या कर दें डिस्प्ले दैट इज गोइंग टू बी नन, और यहां पे आए यहाँ पे नॉर्मली ये डिस्प्ले हो रहा है, अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो दैट इज नॉट गेटिंग नन। अच्छा एक और चीज देख ले, ये बेसिकली क्या दे रहा है आपको डिस्प्ले नन, जो मैंने प्रॉपर्टी दी हुई है उसके ऊपर क्या कर रहा है स्ट्राइक थ्रू कर रहा है। स्ट्राइक थ्रू का मतलब यह कि कोई और प्रॉपर्टी इस ब्रेक पॉइंट पे आके इसको क्या कर रही है ओवरराइड कर रही है, ठीक। सो हम क्या करेंगे, हाँ उसको इंपॉर्टेंट मिली हुई है तो हम क्या करते हैं, हम इसको क्या कर देते हैं अपनी वाली को इंपॉर्टेंट कर देते हैं। सो लाइक सो दैट्स इट, ठीक। अब हमारी यहां पे आके डिस्प्ले हो रही है, जब जगह नहीं बचेगी तो हम क्या कर देंगे उसको यहां पे गायब कर देंगे। तो ये चीज आपने इंस्पेक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि रियल टाइम पे आपको नहीं पता लग रहा होता कि क्यों, अब हमने अपनी लॉजिक या अपने फ्लो के मुताबिक सब कुछ ठीक किया था बट स्टिल इट वाज नॉट गेटिंग द राइट स्टाइल। तो चूंकि आप बूटस्ट्रैप के साथ छेड़छाड़ी कर रहे हैं तो इसलिए मैंने कहा था कि रिस्पॉन्सिबल आप है। तो इस ब्रेक पॉइंट पे जब आपको लगे कि आपका स्टाइल उसके ऊपर स्ट्राइक थ्रू आ रहा है तो इसका मतलब स्ट्राइक थ्रू यानी जो ऊपर लाइन होती है उसको स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं, तो इसका मतलब यह है कि बूटस्ट्रैप की कोई और प्रॉपर्टी आपकी प्रॉपर्टी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको जाके क्या कर लें इंपॉर्टेंट कर लें। दिस इज नाउ व्हाट कि आप 576 या मतलब जो भी पॉइंट है आप उसको जाके ऊपर कर लें, यहाँ पे आ रही है, और अगर आप इसको मजीद एक्सपेंड करेंगे अब वो सारे स्टाइल्स अप्लाई हो रहे हैं नॉर्मली सर्च, अगर आप अपनी उस रेंज में आएंगे तो सर्च हट के क्या आ जाएगा इट वुड बी रिप्लेस्ड विद द आइकन्स, और इससे भी नीचे आएंगे तो जहां पे आपको लगे कि चीजें क्लटर अप हो रही हैं उसको जाके क्या कर दें हाइड कर दें। अब यहाँ पे आप चाहें तो नेव बार को हाइड कर दें उसको रहने दें, पर आप यहाँ आए तो यहाँ पे वो नॉर्मली मेरा कोलैप्स में वो फॉर्म नहीं है बिकॉज सर्च शुड नॉट बी इन द कोलैप्स। किस बंदे को पता है जिसने मोबाइल पे वेबसाइट खोली उसको थोड़ा ही पता है कि कोलैप्स में फॉर्म पड़ा हुआ है सर्च का, मैं जाके वहां पे सर्च करूँ, तो सर्च शुड बी एट द टॉप, इट शुड नॉट बी हिडन राइट। ये चीजें इनका फैसला कौन करता है, मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि जिसने डिजाइन करवाना होता है या जिस बंदे ने, जब आपको डिजाइन मिलता है बींग अ वेब डेवलपर क्योंकि आप डिजाइनर नहीं है तो आपको उस तरह का जो PSD की फाइल है फोटोशॉप की वो आपको बनी बनाई मिलती है, और जो एडवांस कंपनीज इस तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिन्होंने मीडिया क्यूरी या मोबाइल टैबलेट सारों को अलग अलग टारगेट किया होता है वो आपको अलग अलग वर्जन देते हैं इन वेबसाइट के, ये वेबसाइट इधर ये होनी चाहिए मोबाइल पे ये होनी चाहिए इधर ये होनी चाहिए इधर ये होनी चाहिए, ठीक। अब जिस तरह मैंने ये फॉर्म दिया ये तो कोलैप्स में था, एक चीज जिसको आप खुद इंट्रोड्यूस करवाना चाहें यहाँ जैसे फोन नंबर है
जैसे मैंने ये दिखाया आपको इनिशियली, ये फोन नंबर, तो आप इसको क्या करें, जैसे मैंने फॉर्म को रखा कहाँ पे, आउटसाइड द कोलैप्स, उसी तरह फोन नंबर अगर आपको डिस्प्ले कराना है मेन्यू में तो आप उसको कहाँ रखेंगे, स्टिल आउटसाइड द कोलैप्स. एनीथिंग विच कम्स इनसाइड द कोलैप्स क्लास वुड बी कोलैप्सिबल. तो अगर कोई चीज कोलैप्सिबल बनानी है, गो हैड पुट इट इनसाइड द कोलैप्स. और अगर चीज कोलैप्सिबल नहीं बनानी, कि मोबाइल कोलैप्सिबल का मतलब क्या है, कि मोबाइल पे वो हाइड हो जाएगी मेन्यू से, फिर वो कोलैप्स ड्रॉप डाउन में शो होगी. एनीथिंग दैट इज रिक्वायर्ड टू बी लाइक सो, यू हैव टू पुट इट आउटसाइड दिस. तो जैसे मैंने फॉर्म रखा, अगर आपको फोन नंबर रखना है तो यू स्टिल हैव टू लाइक टू दिस. यानी जाहिर है इसको आप कमेंट कर दे फॉर द टाइमिंग जस्ट टू डिस्प्ले इट लाइक दिस. और इस फोन नंबर को आप लेट्स सी. अच्छा, नॉर्मली फोन नंबर को हम एंकर टैग में रखते हैं, क्यों? क्योंकि वैसे कोई बता सकता है क्यों? हम ये हम ये चाहते हैं कि जब फोन नंबर पे कोई क्लिक करे तो डायलर ओपन हो जाए. गॉट इट? तो डायलर कैसे ओपन होगा, चले वो भी देख लें. यानी इसको एंकर टैग में रखने का ये मकसद है कि जब फोन नंबर पे कोई बंदा, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी वेबसाइट पे कोई फोन नंबर डिस्प्ले हो रहा हो, आपको फोन डायल करना हो, तो आप पहले वहां से कॉपी करें, फिर मोबाइल का डायलर ओपन करें और वहां पेस्ट करें और फिर जनाब जाके उसको कॉल मिले. दैट्स अ बैड एक्सपीरियंस. इतना टाइम किसी के पास नहीं है. होना क्या चाहिए कि वहीं पे जहां फोन नंबर उसको नजर आए उस पर क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली वो मोबाइल के डायलर पे चला जाए. एंड दैट्स बिकॉज ऑफ द एंकर टैग. वो कैसे होता है, लेट्स सी. मैंने कहा जी +92 कोई भी नंबर है, एबीसी एक्सवाईजी. इसको अगर मैं यहाँ डिस्प्ले करता हूँ तो अब यानी इसकी प्लेसमेंट अभी जो है यहाँ पे एज इट इज आ रही है. ये बिल्कुल फॉर्म जैसा बिहेव कर रहा है, क्योंकि फॉर्म को मैंने कस्टमाइज करके क्लास दी थी ना, तो मैं जो फॉर्म को माई प्लेसमेंट वाली क्लास है मैं इसको दे देता हूँ, इसका बिहेवियर भी वही बन जाएगा. ठीक, इधर गया. ओके, यस, समझदार हो गया. अब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये डायलर इसको पिक नहीं करेगा. ठीक, तो इसको करने के लिए आपको सिंपल छोटा सा ट्रिक चाहिए. जो फोन नंबर आप डिस्प्ले के लिए लिखते हैं ना, वही कॉपी करें और यहाँ आके एच रेफ के अंदर, जहाँ नॉर्मली किसी पेज का लिंक दे रहे होते हैं, यानी जिस पेज पे जाना होता है, लिंक देने के बजाय यहाँ लिखे टेल. टेल का मतलब टेलीफोन. कॉलन दें और वही नंबर लिख दें. तो अब क्या करेगा, जब आप इस वेबसाइट को मोबाइल पे खोलेंगे, जब इस वेबसाइट को मोबाइल पे खोलेंगे तो ये क्लिक करने पे डायलर पे गया. वो कह रहा है किस फोन पे मिलाना चाहते हो, हवावे फोन. ये यानी मेरा हवावे फोन इसने पिक कर लिया. अब क्योंकि सिस्टम पे तो डायलर ओपन नहीं हो नहीं सकता, जब आप इस वेबसाइट को मोबाइल पे खोलेंगे तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली आपको कहाँ थ्रो कर देगा. अब ये देखें सेंडिंग, ये रिक्वेस्ट सेंड कर रहा है मेरे मोबाइल के ऊपर. ठीक है, पता नहीं किसका नंबर है, मिल ही ना जाए. ओ भाई बस कर दे. फिर ओपन कर लें. तो दिस इज हाउ एक्चुअली वी सेंड दिस टू द डायलर. ये मतलब एक छोटी सी एक्टिविटी थी जो नॉर्मली इन केस प्रैक्टिकल या रियल टाइम सिनेरियो रिक्वायर्ड होता है. और साथ में दूसरी ये बात बताइए आपको कि जब भी आप बूटस्ट्रैप को स्ट्रक्चर को छेड़ेंगे तो भाईजान आपको हर चीज का ख्याल रखना है, आपको हर चीज को टेस्ट करना है कि क्या बूटस्ट्रैप की अपनी कोई चीज डिस्टर्ब तो नहीं हो रही मेरी उसमें इंटरप्शन से या वाइस वर्सा. तो दिस इज हाउ आप कुछ भी कर सकते हैं. अब लेट्स सी, मैं ये चाह रहा हूँ जी कि मेरा यहाँ पे आके मेन्यू का जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो रहा है. एक खास ब्रेक पॉइंट पे मेन्यू का बैकग्राउंड कलर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है फ्रॉम ट्रांसपेरेंट टू वाइट. तो आप सिंपली इसको ये कर सकते हैं कि पहले तो आप ये देखें कि इस मेन्यू के बैकग्राउंड कलर को कंट्रोल कौन सी क्लास कर रही है. ठीक, सो हाउ टू डू दैट, लेट्स वंस अगेन सी कि इस मेन्यू के बैकग्राउंड कलर को कंट्रोल कर रहा है लाइक नेव बार को अगर मैं यहाँ पे जाके बैकग्राउंड कलर दूं और इसको मैं दे दूं रेड, तो इसका मतलब ये है कि मैंने कौन सी क्लास सेलेक्ट की हुई है, नेव बार. तो इसका बैकग्राउंड यानी यही वाली चीज मेन्यू के बैकग्राउंड कलर को क्या कर रही है, कंट्रोल कर रही है. सो मैं इसको या तो अपनी क्लास दूं, बल्कि अपनी क्लास ही दूंगा, नेव बार और नेव बार एक्सपेंड एलजी या नेव बार लाइट को नहीं छेड़ूंगा. क्यों, इनको छेड़ूंगा तो जहां जहां मेन्यू ऐड किया होगा ये सारों को डिस्टर्ब कर देगा. तो मैं क्या करूंगा, इसी को जाके अपनी क्लास दूंगा. अब मेरे ख्याल में ये तो काफी पीट चुका हूं, इसमें तो कंफ्यूजन नहीं होगी कि क्यों.
ये है जी नेव बार हमारी which is this one. नेव बार expand LG, NG light, और ये कर लें जी के nav bg custom. नेव का बैकग्राउंड जो है वो मैं कस्टम देने लगा हूँ. अब मैं सारे ब्रेक पॉइंट्स पे नहीं देने लगा, जिस तरह मेरा ये रिक्वायरमेंट है कि नॉर्मली वो ट्रांसपेरेंट है, किसी एक ब्रेक पॉइंट पे जाके वो क्या कर रहा है, उसको वाइट कर रहा है. सो नॉर्मली इट इज इन इट्स ओरिजिनल कलर. मैं किसी एक मखसूस ब्रेक पॉइंट पे जाके, लेट्स सी, मैं इसी ब्रेक पॉइंट पे जो कि 576 से 767 के दरमियान है, यहाँ जाके उस क्लास को हिट करता हूँ और उसको जाके क्या दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर दैट नीड्स टू बी कर दें. ठीक. सो अब नॉर्मली इसका कलर जो है दैट इज नॉर्मल, लेकिन जब मैं यहाँ पे आऊंगा, लेट्स एक्सप्लोर 576 और 767 इनके दरमियान आएगा तो कलर चेंज हो जाएगा. सो इट्स 1070. व्हेन आई विल बी हिटिंग 768 पार्ट, इट विल ट्रिगर द चेंज. कैन यू सी? एंड व्हेन आई विल गो डाउन टू 576, इट विल अगेन मूव बैक. ठीक, इसमें कोई मसला? दैट्स प्रीटी मच द गेम ऑफ द मीडिया क्यूरीज. इट्स डेड सिंपल. अब आप ऑल यू हैव टू डू इज टू वन टाइम कन्फिगर दिस. जब एक दफा ये लिख दिया तो जो बंदा कहता है जी कि स्क्रीन पे ये हो जाए, स्क्रीन पे ये हो जाए, स्क्रीन पे जो जो वो कहे वो कर दो बस. एनी रॉकेट साइंस? एंड दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ द बूटस्ट्रैप. हाँ, बाकी जो कंपोनेंट्स या कस्टमाइजेशन या बाकी जो कुछ भी है वो ऑब्वियसली, अगर कहीं कोई इशू आए, प्रॉब्लम आए, तो डू लेट मी नो, आई विल कवर दैट पार्ट. जैसे आपको लास्ट टाइम वो आया था, अकॉर्डियन वाला आया था, वो भी कर दूं. नॉर्मली जो अकॉर्डियन होता है ना, ये FAQs पार्ट में होता है. FAQ का मतलब फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस. ठीक है, FAQs अगर किसी वेबसाइट में मुझे मिले तो मैं आपको दिखाऊं. अच्छा, जरूरी नहीं है कि हर बंदे ने अकॉर्डियन लगाया हो. कुछ लोगों को हमारी तरह नहीं पता होता, सादे होते हैं. ये अकॉर्डियन लगाया, दिस इज द प्रैक्टिकल एग्जांपल. हाँ, आप लेट्स सी कि आपके क्वेश्चंस हैं, आपकी वेबसाइट पे कोई आता है और आपके बिजनेस से रिलेटेड आपको पहले से पता है कि ये क्वेश्चन. नॉर्मली एक लेट्स सपोज ई कॉमर्स की वेबसाइट है, लोग क्या क्या पूछ सकते हैं, कहाँ पे लोकेटेड है जी आपकी सोसाइटी, प्लॉट्स के क्या रेट हैं जी. लेट्स सपोज 5, 10 और 15 मरला के कॉमन प्लॉट्स हैं, तो आप लिख दें जी व्हाट इज द रेट ऑफ 5 मरला प्लॉट इन योर सोसाइटी, और ये क्वेश्चन डाल दें और एक्सपेंड करें तो नीचे उसका डिटेल जवाब डाल दें. फिर कोई पूछे जी वेयर इज योर सोसाइटी लोकेटेड, क्वेश्चन डाल दें और एक्सपेंड पे उसका आंसर डाल दें, या पूरा मैप डाल दें एक्सपेंड पे. अब ये यूजर एक्सपीरियंस है, ये वो चीजें जो फिक्स नहीं बताई जा सकती कि आपने उसके जवाब में मैप डालना है, उसके जवाब में क्वेश्चन का आंसर डालना है, उसके जवाब में पूरी वीडियो डाल दें, यानी कोलैप्स के अंदर वीडियो डाल दें. सो दिस इज काइंड ऑफ अकॉर्डियन एक्सपीरियंस. व्हेन वी गो बैक, यहाँ पे पहला कंपोनेंट ए फॉर अकॉर्डियन, आप इस पे नीचे जाएं. कैन यू सी दिस? What you have to do is, ये आपकी वेबसाइट पे लगा हुआ था इसलिए मैं बता रहा हूँ कि इस तरह का कोई भी एक्सपीरियंस देखें तो आपके जहन में, यानी आपने अगर बूटस्ट्रैप पे इनफ प्रैक्टिस की होगी ना, तो जब भी आप किसी डिजाइन को देखेंगे उसको देख के, जैसे मुझे अंदाजा हो जाता है जब भी मैं किसी वेबसाइट पे आपकी गलतियां निकाल रहा होता हूँ, तो मुझे फौरन पता लग जाता है यार यहाँ ये चीज होनी चाहिए. टैब्स का एक्सपीरियंस हो तो फौरन पता लग जाना चाहिए आपको कि यार यहाँ टैब्स होने चाहिए. मेन्यू हो तो आपको फौरन पता लग जाना चाहिए यार मेन्यू होने चाहिए. कैरोसेल हो तो फौरन पता लग जाना चाहिए यहाँ. तो इसी तरह अकॉर्डियन आप इसको कॉपी करें और यहाँ अपना एक कंटेनर बना लें जस्ट बिलो द हेडर. यहाँ पे बना लें सेक्शन डॉट अकॉर्डियन रैपर, और इसके अंदर आप बना लें रो. लेट्स सी कि आप अकॉर्डियन को पूरी स्क्रीन पे शो नहीं करना चाहते, हाफ पे शो करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, रो कॉल एमडी. अब ये पता है एमडी क्यों है, एसएम क्यों है, एक्सएल क्यों है, एक्सएसएल क्यों है और कब है. मैं इसको कहता हूँ जी कि मुझे एमडी पे 6 चाहिए और कॉल
एसएम पे 12 चाहिए, यानी एसएम छोटी स्क्रीन पे साइज जगह कम होती है, तो ये अकॉर्डियन छोटी स्क्रीन पे क्या हो जाए, पूरी स्क्रीन पे फैल जाए, और बड़ी स्क्रीन पे जाके क्या हो जाए, आधी स्क्रीन पे हो जाए, क्योंकि बड़ी स्क्रीन पे ये पूरी स्क्रीन पे आएगा तो बहुत बुरा लगेगा। सो इस तरह से आप एक्सपीरियंस मेजर करते हैं कि व्हेन इट इज अ मीडियम स्क्रीन इट शुड बी इन द हाफ ऑफ द स्क्रीन, व्हेन इट इज ओपनड इन द लार्ज स्क्रीन, सॉरी व्हेन इट इज ओपनड इन द स्मॉल स्क्रीन इट शुड गो अप टू द फुल स्क्रीन। तो इसलिए मैंने दो क्लासेस दी हैं। तो अब यहाँ पे मुझे क्या देना है, वो जो कॉपी किया है वो पेस्ट कर दो और इसको फॉर्मेट कर दो, दैट्स इट। आप यहाँ जाएं अगर, और यहाँ जाएं अगर, यहाँ जाएं अगर, तो अच्छा इसको कंटेनर में भी रख दें, अभी कंटेनर में नहीं है, आई मीन इट लुक्स क्वाइट अ बिट ऑड। सो इसको आप कर दें जी यहाँ से। अच्छा नॉर्मली कोशिश किया करें कि रो को कंटेनर यानी बूटस्ट्रैप के स्ट्रक्चर को कम से कम छेड़ें जब तक बहुत मजबूरी ना हो। रो बूटस्ट्रैप का स्ट्रक्चरल एलिमेंट, लेआउट एलिमेंट है। तो मैं इसके अंदर आके, आप क्या कह रहे थे, सॉरी कंटेनर, मैं उसको छेड़ सकता हूँ अगर मुझे कंसीक्वेंसेस से बाखबर रह गए, ये ना हो कि बाद में कहीं और कन्फ्लिक्ट करे। तो मैं इसलिए कोशिश करता हूँ कि अलग से अपनी क्लास दे के। तो अच्छा अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये सॉरी नहीं नहीं कंटेनर में डाला है, हाउ कैन यू से इट, ये देखिए कंटेनर, नहीं भाई, अच्छा मैंने कंटेनर कॉलम के अंदर रखा है, तो वो कॉलम का मतलब छोटा कॉलम उसके अंदर कंटेनर, तो उसके अंदर तो काम नहीं करेगा ना। आई नीड टू प्लेस इट इनसाइड दी, मैं इसको यहां पे रखता हूँ और मुझे पूरी रो को कंटेनर के अंदर रखना है। That's the problem. ठीक, तो अब ये सॉरी मेरी स्क्रीन कौन सी है, मीडियम से बड़ी है ना, मीडियम एंड अबव, तो ये क्या होना चाहिए, हाफ ऑफ द स्क्रीन पे होना चाहिए। जब ये स्मॉल हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, अकॉर्डियन फुल स्क्रीन पे हो जाएगा। लेट्स सी, कैन यू सी इट, कि जब ये मीडियम या मीडियम से बड़ी स्क्रीन आएगी तो ये क्या हो जाएगा, फुल स्क्रीन, और इट्स वर्किंग। क्या जितने मर्जी, जितने चाहें, जितने आपको चाहिए, ये बूटस्ट्रैप ने ये ब्रेक पॉइंट जो अवेलेबल दिए ना, उसने बड़ी तहकीक और रिसर्च के बाद दिए कि जितनी भी डिवाइसेज है ना वो इसी रेंज में लाए कर रही हैं। यानी मिसाल के तौर पे कोई भी किसी भी डिवाइस को हम फिक्स ब्रेक पॉइंट का टारगेट ही नहीं कर सकते कि यार इस डिवाइस की डायमेंशन है 1080x1080, तो हम 1080x1080, वो रेंज को टारगेट करते हैं कि अगर लेट्स सपोज 576 और 667 की रेंज में हो सकता है कि 8-10 डिवाइसेज इस रेंज में कवर हो रही हूँ, इससे ऊपर वाली रेंज में 8-10 डिवाइसेज कवर कर रही हूँ। तो उन्होंने ये अज्यूम किया है कि मोर देन 80% और 90% ऑफ द डिवाइसेज आर कवर्ड इन द रेंजेस दैट आर गिवन बाय द बूटस्ट्रैप। 100% तो कभी भी अचीव नहीं हो सकता, ये तो मतलब वेंडर पे डिपेंड करता है ना। आज एप्पल वालों ने कोई स्क्रीन बनाई है, कल वो कहें नहीं हम ये स्क्रीन स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं कर रहे, अब हम ये कर रहे हैं, भाई वो मालिक है जो मर्जी करे, सड़ा काबू थोड़ा ही है। ठीक है, फिर उस केस में क्या है कि जिस तरह इन्होंने मीडिया क्यूरी ब्रेक पॉइंट दिए ना, आप कस्टम ब्रेक पॉइंट बना लें, मतलब आपको कोई स्क्रीन चाहिए जो आपकी चॉइस की है, तो इसने पाबंदी तो नहीं लगाई, सिर्फ मिन और मैट फिक्स ही देनी है ना। आप इसको कॉपी करें, आप इधर कह जी नहीं मैं अपनी डेट एंड की मस्जिद बनानी है, तो आप अपनी डेट एंड की मस्जिद बना लें, ये लें बन गई। ठीक है, कोई मसला नहीं, लेकिन जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली रेंजेस कवर हो जाती हैं स्टैंडर्ड डिवाइसेज की। तो आप कहें जी मैं 100 पिक्सल और 200 पिक्सल के दरमियान कोई डिवाइसेज मैंने इन्वेंट की है जिस पे मैं, यू कैन गो अहेड, यू कैन डू दैट, बट दैट्स नॉट नीडेड एक्चुअली। एनीवेज, सो व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि अब मैंने इसके साथ सिर्फ क्या किया, बूटस्ट्रैप का जो बिल्ट इन लेआउट एलिमेंट था उसके साथ इसको एडजस्ट कर दिया कि कॉलम को जब छोटी स्क्रीन हो तो फुल और बड़ी स्क्रीन हो तो हाफ ऑफ द स्क्रीन। ठीक, अब ये देखें, बाय डिफॉल्ट एक कोलैप्स ओपन है, तो मैं चाहता हूँ वो ओपन भी ना हो। ठीक है, बाय डिफॉल्ट सारे क्या हो, क्लोज हो, जिस पे क्लिक करूँ तो मैं क्या करूंगा, यस यू आर राइट। अब देखिए, एक दो एलिमेंट्स आपने गेस किए ना, मतलब उनका साथ काम किया, तो आपको फौरन पता लग गया यार एक्टिव क्लास होगी कहीं ना कहीं। तो सिमिलर ये सारों के साथ ऐसा ही है, यू कैन हैव अ गेस अबाउट दैट। तो पहला जो है, चूंकि डिफॉल्ट ओपन है तो एक्टिव नहीं भी है, तो क्या लगा हुआ है, शो लगा हुआ है। ठीक, सो इफ आई
just remove this class of show. So ye jo pehla default open hai, that should go away. And all baki normally kaam kar rahe hai, lekin wo jo default open wala kaam hai, ab ye bhi requirement ho sakti hai kisi ki, wo kahe ji ki pehla accordion jo hai wo normally kya ho, by default open ho. Koi ye bhi keh sakta nahi ji sare close ho, jisko chahiye wo khud close kar le yahan pe. ठीक होगी बात. सो दैट्स प्रीटी मच लाइक अ बूटस्ट्रैप. हमने फॉर्म्स कवर कर लिए, हमने बूटस्ट्रैप के एलिमेंट्स, इनमें से काफ़ी सारे मैंने कवर नहीं भी किए, लेकिन उसकी ज़रूरत भी नहीं है मेरे ख्याल में, क्योंकि अगर आप बूटस्ट्रैप के किसी एक या दो या तीन एलिमेंट्स को उठा के यूज़ करके कस्टमाइज़ कर सकते हैं, तो बूटस्ट्रैप के सारे एलिमेंट्स को कस्टमाइज़ कर सकते हैं. लेकिन हाँ, एक चीज़ ज़रूरी है कि एटलीस्ट आप इन सारे एलिमेंट्स को वन बाई वन ट्रेवर ज़रूर करो, गो थ्रू ज़रूर करो, ताकि आपको पता लगे जब किसी वेबसाइट के डिज़ाइन कोई सामने आए. अभी तो मैं बता रहा हूँ ना आपको कि ये यूँ होना चाहिए, ये होना चाहिए. जब प्रोफेशनली कोई आपके सामने डिज़ाइन आए तो आपको ये पता फौरन चल जाए कि यार यहाँ पे क्या होना चाहिए. अब मैं मिसाल देता हूँ, एक काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बूटस्ट्रैप में नहीं है. बूटस्ट्रैप डज नॉट प्रोवाइड 100% ऑफ द सॉल्यूशंस. तो इसलिए आपकी वेब डेवलपमेंट की कस्टम स्ट्रांग होगी तो आप उस कस्टम डेवलपमेंट को बूटस्ट्रैप के साथ इंटीग्रेट करके रिस्पॉन्सिव लेआउट बना सकते हैं. मेक सेंस? मिसाल देता हूँ, एक क्या चीज़ें अवेलेबल नहीं है आपको, इस तरह की चीज़ बूटस्ट्रैप में नहीं मिलेगी. टैब्स हैं, बट टैब्स आर समथिंग अ लिटिल डिफरेंट. ठीक, फिर आपको इस तरह की चीज़ बूटस्ट्रैप में नहीं मिलेगी जो आपको खुद एनिमेशन करनी है. तो सीएसएस एनिमेशन बड़ा सिंपल सा काम है, बल्कि हम अगला एक लेक्चर सीएसएस एनिमेशन पर रख लेंगे, कैसे किसी चीज़ को मूव करते हैं, कैसे. यानी अब हमारा स्ट्रक्चरल पार्ट कंप्लीट है तकरीबन, हमने अब इस तरह के शशके खेलने हैं कि हमने सैस यूज करनी है तो क्या करें. बेसिकली जो मेजर अगला टॉपिक है हमारा, वो हमने क्या करना है, जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करना. और जावास्क्रिप्ट भी ऑब्वियसली कंप्लीट जावास्क्रिप्ट इस कोर्स का स्कोप नहीं है, बिकॉज जावास्क्रिप्ट एक, लेकिन एटलीस्ट इस हद तक इतनी जावास्क्रिप्ट हम कर लेंगे कि छोटी मोटी फंक्शनैलिटी अगर हमें लगानी पड़े तो हम खुद अपनी कस्टम जावास्क्रिप्ट लिख लें, जिस तरह कस्टम सीएसएस लिख रहे हैं. ठीक है, तो मेजर टॉपिक तो हमारा वो है, लेकिन इसके साथ थोड़े बहुत जो इश्यूज पर आपको हैं, थोड़ी बहुत जो मेरी डिजाइन में एक्स्ट्रा चीजें आएंगी, वो मैं ऑब्वियसली आई कीप ऑन टेलिंग दोस. सो क्या करने लगा था मैं, हाँ, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बूटस्ट्रैप में नहीं पाई जाती, उनको जैसे ये बूटस्ट्रैप में, अब ये छह छह कॉलम तो बूटस्ट्रैप ने दिए, लेआउट तो बूटस्ट्रैप का यूज करूंगे, छह कॉलम में अगले छह कॉलम में ये मैंने खुद डिजाइन करना है. ठीक, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें, लेट मी शो यू. मैं आपको ज़ेहन को खोल रहा हूँ कि मतलब हमेशा बूटस्ट्रैप पे डिपेंडेंट नहीं रह जाना कि बस ठीक है जी बूटस्ट्रैप आ गया, सब कुछ आ गया, अजान हो जाए फिर आगे चलते हैं. अब रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दूँ मेरे ख्याल में ना, बिकॉज़ आई डोंट हैव टू टीच एनीथिंग.